धामनोद के समीप ग्राम खलघाट में अपहरण हुई बच्ची के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि अपहत बच्ची को उसी के सौतेले पिता कालू ने अगवा किया था। वहां आरोपी द्वारा बच्ची को अपनी पहली पत्नी संगीता के पास भेजकर बच्ची को बेचने का इरादा था। आरोपी की शिनाख्त पर बच्ची को अकोला से बरामद कर लिया गया। बच्ची सकुशल है। पुलिस ने आरोपी कालू व संगीता पर अपहरण और मानव तस्करी की धाराएं लगाकर गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया है। पुलिस की तत्परता से एक बड़ी घटना होने से बच गई। बीच में घास डालने जब आया तो बच्ची को मैंने बोला कि उधर मम्मी बुला रही है, रोड पे आ जाना। और बच्ची जब रोड पे आई तो इसने मोटरसाइकिल पे बैठा के, और इसकी जो पहली पत्नी है कालू की जो अकोला महाराष्ट्र की रहने वाली है, उसको इसने प्लानिंग के तहत पहले से बुलवा लिया था। और धामनोद बस स्टैंड पे उस बच्ची को इसने बस में बैठाया, पहली पत्नी को दिया, और वापस बस स्टैंड से जहाँ इसकी अभी की पत्नी जो चारा काट रही थी ललिता भाई, वहाँ पहुँच गया। और दोनों फिर आके घर आए। ललिता भाई जब लौटी तो बच्ची नहीं दिखी, तो उसने बोला कि हमारी बच्ची गायब हो गई। फिर इन दोनों ने ढूंढा। हम लोग 2 दिन लगातार प्रयास कर रहे थे, और ये साथ में भी मेरे को ढूंढवा रहा था जिससे शंका ना हो। फिर इसमें कल तत्काल जैसे ही इसने ये जानकारी दी, टीम भेजी गई अकोला, और वहाँ से बच्ची को सकुशल बरामद।